जीवन एक पाठशाला में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। ये तो सभी गढ़वाल लोगों को सुनी होलो सपोड़ा सपोड़ सुनियो सपोड़ा सपोड़। लेकिन अगर वो सपोड़ा सपोड़ जो चे वो मोला थिंचोनी दगड़ी भात खाण में हो तो क्या बात है ना। मोला थिंचोनी बनी वर हुए में जरा वो जख्या और जरा वो क्या बोल दो ना को जो भांग ई बाबा भांग पी सी कई अरता हुए कि मतलब चुमटा बन जा क्या मजा आ जाता है। पर वो मोला का गढ़ लाना है वो लंबा लंबा मोला हुई ना चल ऊपर ना स्वाद है ना कुछ ना कुछ मूलक स्वाद तो खिचक होंद चो जय माटा मोहन चो। और मेरी आप ये नव युवकों से नव युवतियों से और उन्नत किसानों से आप लोग सब अब उन्नत किसान चाहें और करोड़पति चाहें मेरे आप सब करोड़पति उन्नत किसानों से प्रार्थना चे कि सियों पुंगड़ियों तें खाली न छोड़ो खाली न छोड़ो खाली न छोड़ो उम बुद्याओ देसी वो पहाड़ी मूला। अरे कथ के खाल बांदर कथ के खाल वो जरे चौकदार कह लिया था हूँ बांदर तक खान सिंह मेरे ख्याल होते हैं पता नहीं वो तोड़ फोड़ तो दीन दे होला। लेकिन वे को ये मतलब वो जो गोल मोला चे वे को आप कमर्शियल रूप में उत्पादन करो वे की बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू छन उनका बारे में पता करो। वे मोला को कन कन में आप लोग विपणन कह सकदा कन कन में बिका सकदा वे के बारे में पता करो। पहले हमारे यहाँ हमारे पिताजी हमर बहुत ऊंचो मूल बड़ो 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 पिछले साल में अब मिल भी उगा है वो लगातार उगौनों में होते हैं बड़ा बड़ा हो जाने 5-5 6-6 किलो का। क्या करे जो तो वो बांसुल बांसुल सुनी तुम्हार बांसुलू बांसुल ला वे मूलक का बारीक बारीक उबड़ों छा सुखसा और तब सुकून छा होता है। और तब जब ये बर्फ बर्फ पड़े छे ना हमारे एक तो बर्फ पड़ो ना और जब बर्फ पड़े छे और तब तो कुछ नहीं हूँ दो साग सब्जी और तब मूला का वो जो सुखसा उनकी सब्जी अलग ही किस्में हों ठीक है ना। तो वो चीज़ें आप आधुनिक तौर पर करो बहुत मतलब उसको वो इतने कखी भी जानू मूला गोबर है कोई कमी नहीं चे माटो हमारे को बहुत उपजाऊ चे और उतके उपजाऊ छन उतके बढ़िया छन हमारा नौजवान ठीक है ना। नौजवान बेटी बुआरी बहुत मेहनती छन। तो आप लोग वे जो पहाड़ी मूला चे वे ते उगाओ और वे उगाने के बाद वे ते कन में भंडारण कह सकत कन में वे ते पूरा साल भर रखे सकत ठीक है ना। वे के बारे में स्टडी करो मूल हमारे तो कन के करता चाहे कि जब खड्डा खोदी के मूल वो एक भीतर रख के मत बटी जो ची माट रख दी सा थोड़ा सी रेत और उसको खराब नहीं ऊंचा या फिर वो एक सुख से बना दीन छा। आजकल तो नई नई मशीन बन गई छोटी छोटी मशीन बन गई जैसे वो बहुत स्लाइस कितना कितना शानदार स्लाइस बन देना की। और ये चीज़ हमेशा याद रखो कि पूरा दुनिया में छेन कड़वे लोग पूरा दुनिया में और सभी के गीचे पर उस स्वाद से पुराण वो आजकल नया बच्चों को नहीं हो लेकिन बेबों के गीचे पर तो उस स्वाद छई छई छ टप 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 कणी रहा कि जो चो गिच बटे
लाभ कि मतलब जरा उत्तुए को मोला थी चढ़े माँ और भाते दिन बुआरी कन रौंद है ना पर सतरे गिन बल सास मगर सपड़ा ग्रह गिन बुआरी माँ ये भी एक मुहावरा चा बल सतरे गिन बल सास मगा और सपड़े ग्रह गिन बुआरी माँ। तो अब सत्तू भी होला और सपड़े की भी होली, खाली आपते काम कन पड़ोलो। डिमांड बहुत ज़्यादा चे, ये की ना परदेशों में भी वे की बहुत डिमांड चे। और वो आप जब वे थे कमर्शियल तौर पर कहला, वे को उत्पादन बहुत उत्पादन करला, वे को आपस में मिल करके नए नए तरीका ढूंढी के वे को रख रखाव करला, तो करोड़पति तो बनी नहीं बनी चाहिए, है ना? क्या खोटा इन करोड़पति अलग से, वी कंदूर का, वी जल्लू का, वी कपरोली का, और वी जो चो वो मुसेटी और कपलडा का, हमर धुलेत सकनेणा भरसार एक ही बटियाणी नहीं, सब हमारे राठ बटे ठीक है ना? करो तो मेरी अग्रिम शुभकामनाएं छी। मैं जानो छो कि आपको 9 करोड़पतियों की लिस्ट में हो जाओ और अखबारों में छपने रहो कि उत्तराखंड से सारे करोड़पति उत्तराखंड से हैं, करोड़पतियों की सूची में उत्तराखंड का नाम सर्वोपरि। कैसे कैसे करना है ना?